कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आगे आए। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित किए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दाया हाथ उठाकर स्वीकृत इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिला, मैं उसे खा रही थी तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं, इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा, महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर आए, इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया, फिर भी उसके मुख पर कितनी नर्मदा और करुणा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।